नमस्कार सुनील भैया। अरे नमस्कार नमस्कार, और सब कैसा है? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, वही बस नवरात्रि का चंदा कटने आए हैं। अच्छा नवरात्रि का, बैठिए तब पानी वगैरह पी लीजिए। नहीं नहीं ठीक है, वो देख लीजिए। क्या देखें, इस समय का मार्केट तो बहुत डाउन है, लेकिन चलिए अगर ठीक है अगली बार माता रानी का। अरे नहीं भैया, चलिए देख रहे हैं माता रानी है। कितना दे रहे हैं? ये ले लीजिए भैया, जय माता रानी, एक रुपए। अरे भैया क्या कर रहे हैं आप, ये इतने से क्या? अरे रानी सुनील भैया, इससे क्या हो गया? तो क्या करें, आप ही बताइए। अगली बार इतना ही कर दीजिए, अगली बार हर साल देते हैं। अच्छा देखते हैं, 2100-2150 रुपए आप देते हैं। आप देख रहे हैं ना कितना मार्केट डाउन है। ठीक है उसी में बस देख लीजिए, थोड़ा कम कर दीजिए, उतना नहीं आप से करें। बहुत ही आशा करके आए थे आपके वहाँ की मिलेगा। भैया पहले जैसे मार्केट होता था आदमी उस हिसाब से दे देता था, हम तो 2000 रुपए दिए हैं, आप जानते ही हैं। उसी वही आशा करके आए हम लोग, आपके वहाँ मिलेगा उतना ही इस बार भी। आप भी मंगा सकते हैं। बात तो सही है भैया। अरे सही है वहाँ पर, ठीक है ऑनलाइन व्यवस्था। लेकिन भैया अगर यही हमारे दुकान से लिए होते तो बताइए। चलिए ठीक है, सही बात। अरे वैसे बताइए ना कितना। अच्छा। क्या कैसे क्या पड़ रहा था, हम लोग भी पता चले जाए ऑनलाइन। भैया लोग वही भैया जी से मान के चलिए कि हमारे यहाँ अगर आते आप 3000 रुपए भी कहते तो उसके बारे में हम सोच लेते। 3000 रुपए में दे देते आप, खुशी में अगर 20 रुपए दे देते तो मिल जाता, नहीं तो हो सकता है कि हम 2900 में ही प्रोवाइड करवा दें। अगर कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं कि जिसमें मार्जिन बहुत कम होता है, जो कस्टमर ऑनलाइन मंगाता है वही रेट हम लोग भी मंगा के रख लेते हैं, बस एक मेल के लिए कि किसी कस्टमर को अगर तुरंत चाहिए तो वो किसी दुकानदार प्रोवाइड करा सके। जैसे कुछ मॉडल हैं, हम सारे मॉडल का बात नहीं कर रहे हैं, कुछ मॉडल हैं कि जो ऑनलाइन से सस्ता दुकानदार ना दे पाए, मतलब जैसे 100 में समझिए कि 5 सामान जो है कि कोई भी दुकानदार जो आप ऑनलाइन खरीदेंगे उससे कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं कि दुकानदार नहीं दे पाएगा, लेकिन लगभग 90% आप कहिए उनसे कि हाँ सर ये ऑनलाइन देखिए इतना दिखा रहा है। कोई दुकानदार जो भी आप ऑनलाइन देख रहे हैं पहले देख लीजिए, उसके बाद दुकानदार से बोल दीजिए, अगर ज्यादा का डिफरेंट है तो बोल दीजिए, खुद वो कहेंगे कि चलिए भैया दे दीजिए चाहे नहीं पड़ रहा है। अगर 150 का अंतर हो ऑनलाइन से तो आप यही बोलूंगा कि आप सर अगर वही हमारे दुकानदार से खरीदते, आप ही लोगों की वजह से। हाँ बेटा बोलो, वो आ गया कितने का है? 2999 रुपए। ठीक है QR कोड भेजो, घड़ी का भेज रहा हूँ पैसा। वही घड़ी के लिए चाहिए, वही मैं बेटा मंगाया है। तो सर वही बोल रहे थे कि जो भी है 100 रुपए ही सही, 50 रुपए ही सही, अगर कभी आपको ज्यादा लगे ऑनलाइन आप कोई भी सामान मंगा रहे हैं, जैसे आप कोई मोबाइल मंगा दिए, एक बार जब मंगाते समय किसी दुकान से जाके पूछिए कि हाँ भैया इतना दिखा रहा है आप दे पाएंगे कि नहीं, एक दुकान पे पूछ लीजिए, हो सकता है उससे कम का वो प्रोवाइड करा दे आपको। और जो भी हमारा जो आपका पैसा है जो विदेशी कंपनियों को जा रहा है, 100 रुपए, 200 रुपए, 500 रुपए जो भी भैया, तो आपकी बात सही है लेकिन फिर भी वहाँ पर अंतर पड़ रहा है। ऐसा क्यों, जैसे कि वहाँ पर 100-200 रुपए कम दिखा रहा है, लेकिन उसमें एक और कंडीशन है, सुबह भी जैसे कि अप्लाई कर रहे हैं ऑर्डर किए हैं शाम तक कैंसिल हो जा रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है? ये सब तो फ्लिपकार्ट जाने, वो सरते सर मैं आपसे बस यही गुजारिश करूंगा कि जो भी आप ऑनलाइन सामान खरीदते हैं पहले आप अपने मार्केट में पता कर लीजिए। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ऑनलाइन पूरा गड़बड़ है, आपके मार्केट में जो सामान उपलब्ध है वो ऑनलाइन मेरे समझ से खरीदने का कोई मतलब नहीं है। हाँ वो सामान आप खरीदिए, चाहे कोई भी खरीदे कि उस मार्केट में ना हो, उस मार्केट में ना हो। तो हम लोग बस चंदा का उद्देश्य बस इतना ही था हम लोगों का कि ऑनलाइन जो भी आप सामान मंगा रहे हैं, ऑनलाइन जो भी आप सामान मंगा रहे हैं उसमें
बस आप इतना ही दिमाग से आप बनाइए कि उसमें आपके गांव, शहर, मोहल्ला, जो भी आपका पैसा रहेगा आपके पास ही रहेगा। लगभग 90% मैं चैलेंज देता हूँ, लगभग 90% ऑनलाइन से सस्ता आपको मार्केट में मिल रहा है, बशर्ते आप लोगों को बस ये हो गया है कि ऑनलाइन ऑनलाइन कोई भी आप सामान जो भी आपको मंगाना हो 90% आपको मार्केट में सस्ता मिल जाएगा। आप बस कोई भी दुकानदार से आप इतना कहिए, जहां से भी आप माल ले रहे हैं, दिखा रहे आप दिखाइए कि ऑनलाइन भी इतना दिखा रहा है। मैं 90% सामानों की मैं बात कर रहा हूँ, आप उनसे बोलिए कि हाँ जो भी ऑनलाइन दिखा रहा है, ये सर देखिए ऑनलाइन अगर कोई भी सामान आप लेने गए, कहीं किसी दुकान पे मोबाइल लेने गए, 90% मैं ये बोला हूँ कि उसमें 10% बस दुकानदार यही कह पाएगा, 10% जैसे 90 कस्टमर आए ये अगर कह के, चाहे 90 आपके पास प्रोडक्ट हो तो 90% दुकानदार आपको उस ऑनलाइन से सस्ता में दे देगा। वो 10 रुपये हो चाहे 5 रुपये हो, चाहे जिस हिसाब से प्रोडक्ट है उस हिसाब से मैं बोल रहा हूँ, नहीं तो बस मात्र 10% चीजों में दुकानदार आपको सस्ता नहीं दे पाएगा। अगर बाय द वे आपसे दुकानदार अगर 100 रुपये ले भी लिया एक्स्ट्रा ऑनलाइन से अगर 100 रुपये एक्स्ट्रा ले भी लिया, तो सबसे अच्छी बात यह है कि आपके समाज में पैसा रह रहा है, आपके पैसे से उस दुकानदार का घर परिवार चल रहा है, उसके 2 बेटियां होंगी, उसके 2 बेटे होंगे, चाहे 1 बेटी या 1 बेटी, बेटा बेटी में कोई अंतर नहीं है। तो मैं बस आप लोगों से यही गुजारिश करना चाह रहा हूं कि ऑनलाइन खरीद पे थोड़ा सा ध्यान दें, पूरा ऑनलाइन को मैं गलत नहीं कह रहा हूं, ऑनलाइन खरीद पे थोड़ा सा विशेष ध्यान दें कि हाँ ये मार्केट में मेरे उपलब्ध है कि नहीं है। और मुझे ये समझ में आ रहा है कि आपको 90% सस्ता मिलेगा मार्केट में, बस थोड़ा सा गुजारिश है, निवेदन है कि एक बार अपने मार्केट पे भी ध्यान दीजिए, आपके 2 पैसे से उसका परिवार चलता है, आपके 2 पैसे से जो भी जिस हिसाब से दुकानदार है उसका परिवार चलता है, चाहे उसके दुकान पे अगर 2 कर्मचारी हैं तो उस 2 कर्मचारी का परिवार चलता है। तो बस यही गुजारिश है कि ऑनलाइन थोड़ा सा हम ही लोगों का देन है कि हम ही उसको जो भी करना चाहेंगे, हम ही लोग, हम और आप हैं कि बहुत नहीं कह पाऊंगा, हम ही और आप हैं। तो बस मैं यही कहूंगा कि बस इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को समझाना चाह रहा था, अगर अच्छा लगे तो कमेंट करके बताएं, आप बुरा लगे तो गाली दें, इसमें कोई डाउट नहीं है। अगर अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें और शेयर जरूर करें। धन्यवाद। मेरे इस सुनील मोबाइल यूट्यूब चैनल में आप लोगों का तहे दिल से स्वागत है। मैं ऊपर वाले से यही गुजारिश करूंगा, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। नमस्कार, धन्यवाद, नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं।